गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको नाइन्थ क्लास कॉमर्स के विषय में बताएंगे, बही खाते के टॉप शीट में जो पहला लेसन है इंट्रोडक्शन विषय प्रवेश। आज के युग में अनेक वैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ व्यवहार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में भी अनेक क्रांति परिवर्तन हुए हैं। आर्थिक समस्याएँ जटिल हो गई हैं। संयुक्त उत्पादन विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, वितरण का फैलाव, बैंक व अन्य संस्थाएं, सात संगठनों का गठन, बीमा कंपनियों द्वारा जोखिम का दायित्व वहन करना, सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप आदि अनेक समस्याओं के कारण प्रत्येक व्यवहार में चाहे वह छोटा हो या बड़ा व्यवहारिक व्यवहारों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मानव की स्मरण शक्ति सीमित रहने के कारण व्यक्ति व्यापारी समस्त व्यवहारों को स्थायी रूप में याद नहीं रख सकता। प्राचीन समय से ही यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। ये लोकोक्ति है जो पुराने समय में कही जाती थी कि पहले लिखे सबसे पहले लिख लो, पीछे दे दी जाए, भूल पड़े तो कागज से ले। यदि याद रहे तो ऐसे मान लो, यदि याद ना रहे तो कागज से देख कर मान लो। या लोगों के व्यवहारों का लेखा रखने की आवश्यकता एवं महत्व बताई जाती है। अतः व्यापारियों के आर्थिक व्यवहारों का विधिवत एवं वैज्ञानिक नीति से पूर्ण हिसाब रखना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि प्रत्येक व्यापारी एक निश्चित अवधि के पश्चात जानने का इच्छुक रहता है। हर सभी व्यापारी ये जानने की इच्छा इच्छुक रहते हैं कि उसे व्यापार में क्या परिणाम रहा। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापारी को जानने की इच्छा होती है कि उसका व्यापार में क्या परिणाम है, लाभ है या हानि। आगे देखेंगे उसके द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी कितनी वृद्धि या कमी, हमने बताया लाभ या हानि, उसको किन किन व्यक्तियों ने कितनी राशि मानी है, कितनी व्यापार को उनका उपयोग मिल रहा है, भविष्य में कितना उपयोग मिलना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये हम आपको इसके इतिहास के बारे में बता रहे हैं। उपर्युक्त समग्र सूचना तब प्राप्त हो सकती है जब उसे सुनिश्चित प्रणाली एक निश्चित प्रणाली के आधार पर उचित एवं व्यवस्थित ढंग से व्यापारी अपने व्यवहारों का लेखा व्यापार में हिसाब किताब पुस्तकों का लिखा हो। जब व्यापारी अपने यहाँ सभी व्यवहारों का लेखा हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखेगा तो उसे संबंधित उससे संबंधित व्यवहारों का पता चल जाएगा। अपने लेखा करने की आवश्यकता होती है। अतः लेखांकन की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यापारिक व्यवहारों का हिसाब किताब पुस्तकों में लिखा जाता है। लेखांकन का इतिहास धन के इतिहास से संबंधित है। इस तथ्य के प्रमाण उपलब्ध हैं कि बेबीलोनियन तथा वैदिक सभ्यता की अवधि में वित्तीय लेखांकन ना किसी रूप में होता है, हमने आपको बताया, जिसमें आपका रूप में था। भारत में मनु संहिता जैसे ग्रंथ में कहीं भी कहीं इस बात का प्रमाण मिलता है कि व्यापारी अपनी लागत, बिक्री, भाड़े एवं अन्य आवश्यकताओं की गणना कर लेते हैं, अर्थात घटाने के बाद अपनी आय को देना पड़ता था। अतः यह स्वाभाविक है उन्हें आय की गणना करने के लिए व्यवसाय से संबंधित विवरणों का लेखा करना आवश्यकता पड़ती है। देखो, जब हम व्यवसाय करेंगे तो जितने हमारे उसमें क्रियाकलाप होंगे, जैसे खरीदना, बेचना, देना, लेना, कहाँ से माल आएगा, क्या आएगा, कहाँ जाएगा, इन समस्त चीज़ों का लेखा किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित लेखांकन प्रारंभ सर्वप्रथम इटली में हुआ था। फ्रांसिस्कन ऑफ ल्यूकस पैसियोली
ये हमारे वर्तमान लेखाकार उपरांत हमारे जनक किसे माना जाता है? ल्यूकास पैसियोली को। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रश्न बनता है, दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो बताया जाएगा ल्यूकास पैसियोली 1494 में इटली के वेनिस नगर में एक पुस्तक द कम्युनिसेट स्क्रिप्टिस प्रकाशित हुई थी, जिसे पुष्पालन से संबंध में प्रथम पुस्तक माना गया है। 19वीं शताब्दी एक प्रसिद्ध शताब्दी है, क्योंकि हम 19वीं शताब्दी जो है हमारी एक प्रसिद्ध शताब्दी है, क्योंकि इस अवधि में बहुत से व्यापारिक निगमों की स्थापना हुई। हम इस जो 1900 था इसके पहले हमारे यहाँ बहुत कम निगम थे, उसके बाद में बहुत से निगमों की स्थापना की गई। इनमें से तुम्हारा बताया गया है कि बुक कीपिंग, जो हमारी बुक कीपिंग थी अकाउंटेंसी के रूप में आने पर इसे पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। बुक कीपिंग को क्या मिला? पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। आगे देखेंगे हम उत्पादन क्रियाओं सीमांत निर्धारण आवश्यकताओं से लेखाकरण को जन्म दिया, और जो लेखाकरण की प्रणाली थी उत्पादन की क्रियाओं से इसका जन्म हुआ। 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा कलकत्ता में 1959 में इंस्टीट्यूट ऑफ द कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स की स्थापना हुई। दोनों सन हम याद रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई, इसका कब हुआ। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। सौदे के प्रकार, सौदे के दो प्रकार होते हैं, नंबर एक वित्तीय सौदे या अन्य सौदे, नंबर एक वित्तीय सौदे या अन्य सौदे। जैसे सौदे में सुरेश एक घड़ी सोहन को दी, क्या कहा? सुरेश ने एक घड़ी सोहन को दी, यह एक सौदा तो है, चूंकि इसमें घड़ी की राशि का वर्णन नहीं है, ये कैसा सौदा है? क्या कहा सुरेश ने? सुरेश ने सोहन को घड़ी दे दी, तो क्या दिया? सिर्फ घड़ी दी। इसके बाद देखा गया, यह एक सौदा तो है, चूंकि इसमें घड़ी की राशि का वर्णन नहीं हुआ है। जैसे मोहन ने सोहन को घड़ी दी, सूर्य जैसे इसमें कह रहा है सुरेश ने घड़ी सोहन को दी। आगे देखेंगे, लेखांकन में केवल वित्तीय सौदे ही लिखे जाते हैं, अर्थात सौदे जिन्हें वित्त मनी से प्रकट किया जाता है, जिसमें मुद्रा के बारे में जानकारी दी जाती है, लेखांकन की विशेष सामग्री के अंतर्गत आते हैं। या ध्यान देने योग्य बात है कि लेखांकन में वित्तीय सौदे होते हैं, पूरे वर्ष के सौदे होते हैं, उनको लिखा जाता है। यहाँ तक आपको मैंने इसके इतिहास के बारे में बताया। पुष्पालन ने पुष्पालन या बही खाते का आशय व परिभाषा इसमें हमें आपको आगे के लिए बताएंगे। बुक कीपिंग का हिंदी अनुवाद पुष्पालन या बही खाता है, जिसमें तुम्हारा बता रहा है प्रश्न आता है बुक कीपिंग का हिंदी अनुवाद में क्या कहते हैं, तो पुष्पालन या बही खाता कहा जाता है। आगे देखेंगे, पुष्पालन दो शब्दों से मिलकर बनाया, पुष्ट प्लस पालन। देखो लिखा है पुष्ट प्लस पालन, पुष्ट का अर्थ है पुस्तक और पालन का अर्थ है रखना। जैसे हम कोई कार्य करते हैं पुस्तके का बनाते हैं, पुस्तके होती हैं, और पालन का मतलब हो जाएगा रखना। इस प्रकार पुष्पालन या बही खाता का सामान्य अर्थ पुस्तकों में रख रखाव से है। बुक कीपिंग मेन साफ मेथड ऑफ द कीपिंग अकाउंट बुक्स। जब कोई व्यापारी किसी व्यावसायिक लेन देन को याद रखने में ऐसी विधि लिखने के अभ्यास करता है, तो उसे क्रमिक विधिवत सुलभ ज्ञातव्य से की विशेषता धारण कर ले, तो उसका प्रयास पुष्पालन या बही खाता कहलाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हम व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति या व्यावसायिक कहते हैं कि पुष्पालन बही खाता
हिसाब किताब रखने की कुछ बही खाता कहते हैं, कुछ कागज या बही खाता में अनेक विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, जो कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्पाइसर और पेगलर के अनुसार। पहली परिभाषा हमारी दी है स्पाइसर और पेगलर, एक राइटर थे हमारे, उन्होंने कहा है पुस्तपालन व्यवसाय तथा अन्य शौकों को मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। जो हमारी ये मुद्रा होती है इसके रूप में लिखने की कला को पुस्तपालन कहते हैं। दूसरे लेखक हमारे रोलैंड के अनुसार, जो जिन्होंने कहा है कि पुष्पालन सौदों को, कुछ सौदे होते हैं जिनको निश्चित सिद्धांतों या उनके नियमों के अनुसार लिखना पुष्पालन कहलाता है। ये हमारे रोलैंड कह रहे हैं। सारे राइटरों में अलग अलग डिफरेंस मिलेगा, सेम मिलता जुलता होगा। जैसे कार्टर क्या कह रहा है, पुष्पालन का आशय हिसाब लेन देन मुद्रा या मुद्रा के मूल्य, उसका क्या मूल्य है, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये, हस्तांतरण संबंधी व्यापारिक सौदों का लेखा करने की कला व विज्ञान है। पुष्पालन को कला व विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों चीजें आती हैं, विज्ञान से संबंधित जो उत्पादन होता है और कला जो कौशल दिखाया जाता है। चौथे राइटर है बाटली बात के अनुसार, व्यापारिक सौदों को निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला पुष्पालन है। जो हमारे सौदे होते हैं वस्तुओं का लेना देना, उत्पादन प्रोडक्शन, कौन वस्तु कैसी है, इन सबको ही पुस्तकों में लिखने की कला को पुष्पालन कहा जाता है। इन सब परिभाषाओं में निचोड़ में एक आदर्श परिभाषा कही गई है, सभी परिभाषाओं का निचोड़ कहा जाता है, एक आदर्श परिभाषा है। पुष्पालन या बही खाता वह कला व विज्ञान है, कह रहा है पुष्पालन बही खाता वह कला व विज्ञान है जिसके अनुसार व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी, निगम आदि द्वारा व्यवसायिक शोधों की घटनाओं, इससे संबंधित प्रकृति के अन्य शोधों को मौद्रिक रूप से लेखा, जो उसके लेखे किए जाते हैं वो मौद्रिक रूप में किए जाते हैं, ताकि उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिनके लिए लेखे किए गए हैं। वर्तमान काल में कंप्यूटर का प्रयोग इसके लिए होने लगा है। जो हमारा कंप्यूटर है, जो हम अपने उत्पादन या प्रोडक्शन या वस्तुएं लेन देन क्रय विक्रय सभी का हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। वर्तमान काल में कंप्यूटर का प्रयोग इससे भी होने लगा है। इस प्रकार से हम लेखों को पुस्तक आवश्यकता नहीं होती है, फ्लोपी पर लिए जाते हैं। जो हम आपको इसके पुष्पालन के लक्षण के बारे में बताएंगे, जो बही खाते से संबंधित होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुक कीपिंग। बही खाता सभी प्रकार के व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा रखा जाता है। जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं या गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनके संस्थाओं द्वारा रखा जाता है। नंबर 2 क्या कह रहा है लक्षण में, इनमें उन सौदों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा से मुद्रा के मूल्य को मापा जाता है। जो वस्तु 5 रुपये 10 रुपये 4 रुपये की है उसके मूल्य को मापा जाता है। आगे देखेंगे सौदों का लेखा कुछ निर्धारित पुस्तकों या बहियों में किया जाता है। सौदों का लेखा कुछ निर्धारित पुस्तकें होती या बहियाँ होती हैं वही में किया जाता है। पुष्पालन बही खाता सौदों का लेखा करने की कला और विज्ञान दोनों है। क्या कह रहा है, पुष्पालन बही खाता की कला विज्ञान दोनों है। इसके अनुसार सौदों का नियमानुसार नियोजित ढंग से लेखा किया जाता है। जो हमारे सौदे होते हैं उनको नियमानुसार उन सौदों के लेखों को नियोजित ढंग से किया जाता है। अब हम आपको ले चलेंगे बही खाता या पुष्पालन कला और विज्ञान दोनों है। देखो इसमें हम इसमें अर्थ को भी प्रकट करेंगे, कला के अर्थ को बताएंगे और विज्ञान के अर्थ को बताएंगे। कला के अर्थ के बारे में जो जानकारी देंगे वो उसके बारे में बताएंगे। आगे देखिए बही खाता कला या विज्ञान, क्वेश्चन मार्क लगाया। आगे देखो यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, इस संबंध में विद्वानों ने पर्याप्त मतभेद बताए हैं। एक दूसरे में क्या है, मतभेद है। जो मतभेद है वो इस प्रकार है, क्या कहा है, कुछ विद्वान इसे कला मानते हैं, कुछ विद्वान इसे कला मानते हैं। कला क्यों मानते हैं, अन्य मतानुसार यह विज्ञान है कि निष्कर्ष पहुंचने के पूर्व कला व विज्ञान
का अर्थ समझ लेना आवश्यक होगा। यदि हम इसके निष्कर्ष के पहले पहुंचेंगे तो सबसे पहले कला एवं विज्ञान के बारे में जानकारी लेंगे। कह रहा है कि कला का अर्थ है कला, कला से तात्पर्य किसी कार्य को क्रमिक व उचित रीति से करने को कला कहते हैं। किसी कार्य को क्रमिक व उचित, जो हमारे कार्य होते हैं उनको क्रमिक व उचित ढंग से करने को हम कला कहते हैं। जैसे कला हमें उन साधनों से परिचित कराती है जिनके माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। मान लिया हम उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जो हमारे उद्देश्य होते हैं। अतः कला के माध्यम से किसी आदर्श या लक्षण तक पहुंचा जाता है, जो हमारी कला होती है उसके किसी आदर्श या लक्षण तक पहुंचा जाता है। विज्ञान, विज्ञान के बारे में हम बताएंगे। देखो विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान अ सिस्टमेटिक नॉलेज से अर्थ रखता है। जो हमारा वो सिस्टम होता है उसके अर्थ से रखा जाता है। विज्ञान के निश्चित आधारभूत सिद्धांत होते हैं, उसके कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, क्योंकि कला में कोई निश्चित नहीं है जिसके अंदर कौन सी कला है क्या है जानकारी लेना। और विज्ञान हमारा क्या विज्ञान, विज्ञान के सिद्धांत क्या है, निश्चित हैं, जो कारण व परिणाम की व्याख्या करते हैं। बही खाता पुष्पालन कला विज्ञान के रूप में, बही खाता में व्यवहारों का लेखा निश्चित नियमों के आधार पर क्रमबद्ध से किया जाता है, अतः इसे विज्ञान कह सकते हैं। जिस प्रकार से विज्ञान निश्चित मूलभूत सिद्धांतों, वैसे बही खाता अपने बही खाते के अपने कुछ नियम होते हैं। इस और वस्तु में सब जगह पर नियम नहीं होता है, मगर बही खाता के कुछ आधारभूत निश्चित नियम होते हैं। अब पहला हम आपको बताएंगे बही खाता पुष्पालन कला विज्ञान के रूप में। देखो बही खाते में व्यवहारों का लेखा निश्चित क्रमबद्ध ढंग से किया जाता है, अतः हम इसे विज्ञान भी कह सकते हैं। देखो कापी का प्रारूप होता है छोटा सा बना होता है, अब अगर हम किसी पेज को बिल्कुल बहुत बड़ा कर दें तो उसमें विज्ञान नहीं है, क्योंकि छोट के बुक कापी बनाई गई तो उसको छोटी सी वस्तु हो गई। आगे देखिए इसे हम विज्ञान कह सकते हैं। जिस प्रकार विज्ञान एक निश्चित मूलभूत सिद्धांत होते हैं, ठीक है आगे देखेंगे। इस प्रकार कला की भांति बही खाता में लेखा उचित रीति एवं साधनों से किया जाता है, जो उसकी रीतियां हैं या उसके नियम हैं उन साधनों के द्वारा किया जाता है। व्यापारी जिनके माध्यम से अपने व्यापारिक उद्देश्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, जो हमारे व्यापारी होते हैं विज्ञान एवं कला के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। आगे देखेंगे हम पुष्पालन बही खाता, इस तरह से कला विज्ञान दोनों ही निश्चित रूप से हैं, क्योंकि जब दोनों का एक में महत्व है तो यहाँ पर पुष्पालन कला और विज्ञान दोनों है। देखेंगे देखो हम उद्देश्य के बारे में बताएंगे। दो उद्देश्य होते हैं, मुख्य उद्देश्य अन्य उद्देश्य। जो मुख्य उद्देश्य होता है उसमें बताया गया है कि हम अपने उद्देश्यों को पूर्ति के लिए पुष्पालन किया जाता है, जो हमारी पूर्ति होती है उसके लिए पुष्पालन किया जाता है, मुख्य उद्देश्य कहलाते हैं। लाभ हानि का ध्यान करना नंबर एक पॉइंट। पुष्पालन की सहायता से व्यापारी अपने लाभ एवं हानि को ज्ञात करता है। नंबर दो संपत्ति और दायित्व। तो हमारे जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको आगे चैप्टरों में दो चीज़ें मिलेंगी, संपत्तियाँ एवं दायित्व। दायित्व हमेशा डेबिट होते हैं और संपत्तियाँ हमेशा क्रेडिट की जाती है। ये हम आप 10th क्लास में पहुँचोगे, डेबिट क्रेडिट तो इसी में आगे आपको मिल जाएगा, मगर संपत्तियाँ ये एक हमारे वहाँ चिट्ठा बनाया जाता है जो आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, जिसे फाइनल अकाउंट कहा जाता है, उसमें इनकी धनराशियों को रखा जाता है। पुष्पालन द्वारा व्यापारी अनेक व्यापार की संपत्तियों तथा दायित्वों की जानकारी मिल जाती है। हमें अनेक प्रकार की संपत्तियाँ, कुछ हमारी फिक्स होती हैं, कुछ करंट होती हैं, कुछ चालू होती हैं, जो चालू दायित्व हमारे होते हैं उन आदि सब के बारे में जानकारी दी जाती है। व्यापार की उन्नति अथवा अवनति की जानकारी लेखा पुस्तकों से आता है। व्यापारी जब हम बही खाते में पुस्तकों को लिखेंगे या लेखा करेंगे तो हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि हम कौन से व्यापार में उन्नति हो रही है और कौन से व्यापार में अवनति हो रही है। आगे देखेंगे देनदार तथा लेनदार,
दो ही व्यक्ति होते हैं, एक देनदार होता है दूसरा लेनदार। पुष्पालन की सहायता से, पुष्पालन की सहायता से जानकारी की जाती है कि व्यापारी देनदारों से कितना धन प्राप्त करना है और लेनदारों को कितनी धनराशि चुकानी है। देखो आगे देखेंगे हम, पुष्पालन की अनिवार्यता, कंपनी की उसकी व्यवस्थाओं की पूर्ति के उद्देश्य में पुष्पालन अनिवार्य है। जब तक कोई कंपनी, यदि कोई कंपनी होगी, कंपनी का मतलब फर्म या संस्था होगी, तो यदि उसमें उस कंपनी की उसकी व्यवस्थाओं की पूर्ति उद्देश्य पुष्पालन अनिवार्य है। जब आप कोई फर्म या संस्था चला रहे हैं, यदि आप वित्तीय सौदे या लेखों की गणना नहीं करेंगे तो आपके फर्म या संस्था से कोई उद्देश्य नहीं पूर्ति होगी। आगे देखेंगे अन्य उद्देश्य, उपर्युक्त मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ निम्न उद्देश्यों की पूर्ति पुष्पालन में अपने आप हो जाती है। जैसे हम आपको बताएंगे, व्यापार में पूंजी का वितरण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, किसी निश्चित समय पर व्यवसाय की आवश्यकताएं क्या हैं, क्या व्यवसाय में रोकड़ की क्या स्थिति है, इन सभी बातों का हम, उसकी कितनी कार्य क्षमता है, उसमें कितनी दक्षता है, आदि बातों का निपुणता होनी चाहिए। पुष्पालन के उद्देश्यों की पूर्ति और कंपनी में लेखाकार आदर्श पुष्पालन की विशेषताएं, मेन टॉपिक है यह, अधिकतर हमारे एग्जाम में आता है आदर्श पुष्पालन पद्धति की विशेषताएँ। व्यावसायिक सफलता का अधिकतम श्रेय हिसाब किताब सही पद्धति के अनुसार किया जाता है। नंबर एक, खेली गई उपयुक्तता, सुगमता एवं सरलता। नंबर तीन, बही खाते के उद्देश्यों की पूर्ति। अब हम आपको उपयुक्तता के बारे में बताएंगे। पुष्पालन पद्धति व्यापार के आकार व प्रकार के अनुरूप होनी चाहिए, जिस कार्य संचालन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जब हम कोई कार्यों को करते हैं या उसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। आगे लिखेंगे सुगमता एवं सरलता, कह रहा है पुष्पालन का मतलब ही है कि किसी कार्य को करने से पहले सुगम और सही ढंग से किया जाना चाहिए, हिसाब किताब में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 5 रुपये, 10 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये का लेखा जोखा जो करना है, सारे हिसाब क्लियर होने चाहिए। बही खाते के उद्देश्यों की पूर्ति, देखो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में पुष्पालन पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसके उद्देश्य पूर्ति हो, उनके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, यथाविधि समावेश किया जा सकता है, प्रत्येक व्यापारी जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकता है। मितव्ययी, देखो पुष्पालन एक खर्चीली पद्धति है, जो हमारी खर्चीली पद्धति है, जो व्यक्ति खर्चीली पद्धति में आएगा उसमें कह रहा है व्यापार लाभ संचालन प्रणाली आवश्यकता अनुसार कम खर्चीली होनी चाहिए। आप व्यवसाय कर रहे हो, 5,000 का आप खर्च कर रहे हो, 8,000 तो कहाँ से आपका काम चलेगा, व्यवसाय बंद हो जाएगा। आपको उसी अनुसार ये अब पुष्पालन जो है, हमारी बही खाता जो है वो खर्चीली प्रणाली है। आगे लिखेंगे वैधानिकता, कुछ निश्चित नियम होते हैं जो हमारे वैधानिकता पर आधारित हैं, इनको वह एक आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली कही जा सके। जो हमारे जो प्रणाली होनी चाहिए वो वैज्ञानिक होनी चाहिए, जिससे वैज्ञानिक प्रणाली से हमारे व्यापार में सुविधा होगी। उद्देश्य पूरक प्रणाली ऐसी हो जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, जिसमें मौद्रिक लेन देनों को दिखाया जा सके, आदि बातों का संबंधित विवरण होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया गया है लाभ या हानि के बारे में, जैसे लोजपूर्ण पूर्णतया कानूनी प्रावधान का पालन, लोजपूर्ण प्रणाली हमारे में इसमें हमें आपको बता रहे हैं। देखो कह रहा है पुष्पालन पद्धति लोजपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें व्यापार के साथ साथ बिना किसी अतिरिक्त हुए भाग, जो हमारा व्यापार होना चाहिए। व्यापार हमारा तभी अच्छा चलेगा जब व्यापार पे व्यवहार कम होगा, खर्चे कम होंगे। आज देखेंगे हम पूर्णता प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूर्णता गुण निश्चितता आदर्श और व्यापारिक आय संपत्ति लाभ हानि का ज्ञान प्राप्त किया जाते हैं। जब हम साल भर व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार का पता नहीं,
नहीं हमारे ज्ञान, लाभ या हानि का पता नहीं, तो हम कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। आगे ये कानूनी प्रावधानों का पालन, जो हमारे प्रावधान है कानूनी, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन प्रावधान लीगल प्रोविजन का पालन किया जाना चाहिए। उस पालन के लाभ, इसमें हमारा व्यापार के बारे में विस्तृत लाभों का वर्णन किया जाता है, जैसे व्यवसायियों को लाभ, व्यवसाय से संबंधित सूचना देना या उसमें लाभ या हानि के ज्ञान या लेनदेनों का ज्ञान, संपत्ति एवं दायित्वों आदि का ज्ञान करना चाहिए, क्रय विक्रय से संबंधित होना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, नियमानुसार रखे गए व्यवसाय का संबंधित खर्चे होने चाहिए, आय कर एवं बिक्री का निर्धारण में सहायक होना चाहिए, ख्याति का निर्धारण गुडविल होनी चाहिए, ख्याति का दिवालिया घोषित होने का समय सहायक होता है। कर्मचारियों को लाभ, हमारे अनेक ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनमें अब जब हम अपने व्यवसाय को चला रहे हैं उसमें कर्मचारी को लाभ नहीं देंगे तो हमारा पारिश्रमिक समस्याओं का निर्धारण में सहायता मिलती है। आगे देखेंगे व्यवसाय से संबंधित लेन देन, जो हमारा व्यवसाय चल रहा है उसमें मतभेद, आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद जब हम मतभेद होगा जहाँ पर उत्पन्न होगा वहाँ पर व्यवसाय नहीं चल सकता है। व्यवसाय की विनियोग क्रय करने की शक्ति, देखो जो हमारा व्यवसाय होता है उसमें विनियोग होते हैं, जो विनियोग होते हैं उनमें आप यहाँ पर नंबर एक बात बताई गई है कि अन्य पक्षों को लाभ, सभी पक्षों को लाभ होना चाहिए। हमें यह भी जानकारी देखना चाहिए कि व्यवसाय चल रहा है, एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है और एक को हानि हो रही है, तो हमारा व्यवसाय सफल व्यवसाय नहीं होगा। सरकार को लाभ, देखो पशुपालन में यह भी क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि प्राप्त होना चाहिए कि सरकार को क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि, उस लाभ की स्थिति क्या है, इस आधार पर हम आगे जैसे कर की दर का निर्धारण, हमें जो हमें टैक्स देने हैं या कर देने हैं उनकी दरों का निर्धारण कर लेना चाहिए। शोध कर शोधार्थियों को लाभ, विभिन्न व्यवसाय में पुष्पालन लेखा कर मध्यम के विशेष उद्योग धंधे, लेखापालक, लेखाकर, इस विषय का शोधन किया गया है कि जो अब भी किए जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ व्यवसाय हो रहा है उस जैसे तमाम अनेक प्रकार के शोध किए जाते हैं, वो हमारे व्यापार या व्यवसाय या सभी समस्त क्रियाओं में लाभ हानि या उससे संबंधित शोध किए जाते हैं। पुष्पालन की आवश्यकता का महत्व, व्यवसाय के उचित मूल्य का ज्ञान, व्यवसाय संबंधित लेखों के आधार पर व्यवसाय के उचित मूल्य ज्ञान आका जा सकता है, जिसमें कह रहा है कि सरकारी अफसरों की संतुष्टि, जो हमारे सरकारी अफसर होते हैं उनको संतुष्टि होनी चाहिए, आयकर अधिकारी, बिक्री कर अधिकारी आदि की संतुष्टि करने में पुष्पालन लेखाकर मध्यम सहायक होता है। जो हमारे अधिकारीगण होते हैं आयकर बिक्री कर आदि जो कर लगाए जाते हैं उनमें हमारा पुष्पालन बहुत ही सहयोगी होता है। आगे हम देखेंगे कानूनी अनिवार्यता, ये हमारा बताया गया है कंपनीज अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी को जो पुष्पालन लेखाकरण से संबंधित करना आवश्यक है उसमें ये सारी बातों का ज्ञान दिया जाता है। व्यवसायिक स्थिति का ज्ञान, व्यवसायिक स्थिति का ज्ञान, व्यवसाय में द्वारा किसी भी प्रकार के समय ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुष्पालन लेखाकरण आवश्यक है, जिसमें कह रहा है याद रखने की सीमा, व्यवसाय से संबंधित सभी व्यवहारों को अधिक समय तक याद नहीं रखा जा सकता, इसीलिए लेखांकन करना आवश्यक होता है। आगे देखेंगे न्यायालय में साक्ष्य की तरह प्रयोग करना, उचित रीति में रखे गए देखिए, चूंकि न्यायालय में साक्ष्य की तरह अच्छा काम करते हैं अतः इन लोगों को रखा जाना आवश्यक है। जो न्यायालय में साक्ष्य का काम करते हैं उनको रखा जाना अत्यंत आवश्यक होता है। दिवालिया या घोषित किए जाने में सहायक, कह रहा है जब कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित किया जाता है तो उसके व्यवसाय से संबंधित पुष्पालन एवं लेखाकरण के आधार पर होना चाहिए, जिसमें तुम्हारा हमारा लेखाकरण का अर्थ बताया गया है, हम आपको इसमें पुष्पालन के लेखाकरण के अर्थ के बताएंगे। सबसे पहली बात समझ लो, पुष्पालन का मतलब होता है पुस्तकों से संबंधित ज्ञान और लेखाकरण का मतलब होता है उन लेखों को लिखा जाना जो उसके व्यवहार से संबंधित होते हैं। जैसे लोग पुष्पालन तथा लेखाकरण का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, किंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है।
कह रहा है दोनों में पर्याप्त अंतर है, उसमें पुस्तक से लिखा पुस्तकों से होता है, इसमें हमारा लिखने से संबंधित जो व्यवहार सौदे किए जाते हैं उनको लिखा जाता है। आगे लिखेंगे लेखाकरण का आशय मौद्रिक स्वभाव, मौद्रिक जो सौदे लेखा करने के वर्गीकरण के आधार सूक्ष्म बनाए जाते हैं या छोटे छोटे होते हैं उनके आधार पर किया जाता है। क्लासिफिक फाइल जो तलपट बनाना एक प्रकार का सौदों को वर्गीकरण करना है, जो सौदे होते हैं उनको वर्गीकरण या सूक्ष्म बनाना है। लेखा भूल सुधार जो हमारे भूल हो जाती है त्रुटियां हो जाती हैं उनको सुधारा जाता है। तथा लाभ हानि खाता एक लाभ और हानि का खाता बनाया जाता है। उसके बाद आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। उपर्युक्त गुणों के आधार पर लेखाकरण को परिभाषित किया जा सकता है। हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं नंबर 2-3 पॉइंट है। पुस्तकालयों की प्रविष्टि की जांच करना, प्रविष्टियों की जो हमारे लेखे जर्नल के जाते हैं उनकी प्रविष्टियों को जांचा जाता है, उन्हें वर्गीकृत करना, उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। समायोजन का लेखा करना, समायोजित किया जाता है। तलपट तैयार करना, लाभ हानि खाता चिट्ठा तैयार करना तथा परिणामों का विमोचन का निष्कर्ष निकालना, जो उसके परिणाम होते हैं उनके विमोचनों का निष्कर्ष निकाला जाता है। पुस्तकालयों का लेखाकरण निरंतर, देखो हम आपको पुष्पालन और लेखाकरण के अंतर को बताएंगे। जो हमारा ये अंतर है पुष्पालन लेखाकरण का, इसमें हम बता दें पुष्पालन और लेखाकरण व्यवसायिक सौदों का प्रारंभिक पुस्तक लिखना हमने बताया था आपको, बीच बीच में बताते जा रहे हैं कि उसमें पुस्तकों से संबंधित ज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें लेखा के जो लेखे लिखे जाते हैं उनकी जाँच करना होता है। नंबर 2 खतियाना, सौदे रोकड़ बही एवं इसकी सहायक पुस्तक में खाता बही खतियाना, खातों की जांच करना कि वे ठीक हैं या नहीं हैं। लेखांकन के सौदों में कह रहा है खतियाना जो हम लेखे करते हैं उनको खतियाना मतलब खतौनी की जाती है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। और जब हम खतौनी में ले जाएंगे तो हमेशा क्रेडिट को डेबिट लिखेंगे और डेबिट को क्रेडिट लिखेंगे। जब आपको हम जनरल प्रविष्टियाँ सिखाएंगे तब आप उसके बारे में बताएंगे। खातों की जांच करना कि ठीक है या नहीं है, उन खातों की जांच की जाती है जो खाते होते हैं उनकी जांच की जाती है। योग की विषय में बताएंगे, अंतर में बताया जा रहा है प्रमुख उद्देश्य। इसका प्रमुख उद्देश्य सभी सौदों को तिथि वार लिखना, जो हमारी डेटें होती है तारीख होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये समस्त तारीखों को जो लेखे किए जाते हैं उनको डेट वाइज लिखना चाहिए। कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय में होने लाभ या हानि को वित्तीय स्थिति के उचित निष्कर्ष निकालना, जो हमारे व्यापार में लाभ या हानि हो रही है उसके उचित निष्कर्ष निकाले जाएं, व्यवसाय को पूर्ण जानकारी दी जाए। व्यापारिक खाता, इसके अंतर्गत व्यापारिक लाभ हानि खाता चिट्ठा नहीं आता है, जो हमारा व्यापारिक खाता होता है इसके अंतर्गत नहीं आता है पुष्पालन के अंतर्गत। लेखाकरण में ये सारी बातें बनाना आवश्यक होती हैं लेखाकरण में, क्योंकि लेखाकरण में जो सौदे लिखे जाते हैं उनके बारे में समस्त जानकारी दी जाती है। विशेष ज्ञान की योग्यता, इसमें विशेष ज्ञान की योग्यता होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा विशेष ज्ञान की आवश्यकता का मतलब है पुस्तकों से संबंधित लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसमें विशेष ज्ञान की योग्यता आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम सौदे लिखेंगे तो डेट पता होनी चाहिए, समय पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे पुस्तपालन की प्रणालियाँ, इंडियन कैश सिस्टम, रोकड़ प्रणाली, जो हमारी रोकड़ प्रणाली होती है उसमें लेन देन क्रय विक्रय पूर्णतया दिखाए जाते हैं। जैसे हमारे संस्थाएं, ये संस्थाएं कौन होती हैं, विद्यालय हुआ, अस्पताल हुआ, धर्मान संस्था हुई, क्लब हुए, आदि संस्थाएं जो होती है जो धर्म कार्य के लिए की जाती है उन सब कार्य में जानकारी दी जाती है। इकरा लेखा प्रणाली, ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता है जो तुम्हारा इकरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत आता है। इस प्रणाली में सौदों को रूप में, कुछ सौदों को दोनों रूप में लिखा जाता है, तो कुछ सौदे के एक रूप होते हैं जिसकी दोनों रूपों में लिखा जाता है, सौदों का लेखा छोड़ा नहीं जाता है। यह प्रणाली अपूर्ण माना जाता है क्योंकि दोनों सौदों को हम एक साथ नहीं दिखा सकते। आगे देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है। कह रहा है डबल एंट्री में दोनों रूपों को लिखा, जितनी प्रणालियाँ प्रचलित हैं उनमें यह सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। जब हम क्रेता और विक्रेता दोनों के बारे में जानकारी हमें होगी तब हम समझ लेंगे कि हम ये दोनों सौदे दोनों रूपों में लिखे जा रहे हैं। भारतीय बही खाता प्रणाली,
इसमें लंबी पहियों का प्रयोग किया जाता है और लेखे देसी भाषाओं में रखे जाते हैं, जैसे मुड़िया हुई, हिंदी हुई, आदि हमारी ये देसी भाषाएं हैं। यह प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। आज का चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी प्रश्न करना आप लोग।